पीजी कॉलेज सोलन में छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धर्मपुर के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका। एवीवीपी कैंपस सचिव शीतल ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में धर्मांतरण के दबाव की वजह से नाबालिग छात्रा लावण्या ने आत्महत्या कर ली थी, जिसे सभी छात्र हत्या मानते हैं। नाबालिग छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं जो भी इस घटना के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि आज केवल एबीवीपी संगठन द्वारा ही छात्रों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, ऐसे में दूसरे छात्र संगठन जो छात्रों के हितेशी बनते हैं वह कहाँ हैं? यह बात सिद्ध करती है कि बाकी दूसरे छात्र दल केवल राजनीति रोटियां सेंकना जानते हैं, उन्हें छात्र हितों से कोई लेना देना नहीं है। शीतल ठाकुर, धर्मपुर इकाई सचिव। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धर्मपुर इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमिलनाडु सरकार का पुतला जलाया गया। जैसा कि आप देखते हैं, हाल ही में तमिलनाडु के एक मिशनरी स्कूल में लावण्या, जो कि एक छोटी मासूम बच्ची थी, पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। हम तमिलनाडु सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि उन्होंने लावण्या के मुजरिमों के खिलाफ कोई सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इससे भी उग्र आंदोलन पर उतरेगी, और वो दिन दूर नहीं होंगे जब तमिलनाडु सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा।